चुनाव बीतते ही भारत सरकार का बजट आया, लेकिन इस बजट में लोगों को राहत नहीं मिली बल्कि निराशा ही हाथ लगी। तो मुंबई में टैक्सी वालों को खुश करने के लिए प्रशासन ने 1 रुपये मीटर बढ़ा दिए। पहले आपको न्यूनतम 16 रुपये किराया देना था, लेकिन अब 16 से बढ़कर 17 रुपये हो गई है। वहीं पर किलोमीटर 50 पैसे अधिक देने होंगे। इस हिसाब से टैक्सी का सफर मुंबईकरों के लिए महंगा हो चुका है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर इस बढ़ोतरी से नाराज है। उनका कहना है कि उनका किराया न्यूनतम 18 से 20 रुपए होना चाहिए। इसी बात को लेकर टैक्सी ड्राइवर से बात करनी चाहिए, तो आखिर उन्होंने क्या कहा ये जानते हैं। मुंबई में टैक्सी भाड़े में बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ोतरी हुआ है 16 रुपए की जगह 17 रुपए अब आपको अदा करने पड़ेंगे, लेकिन इससे कई टैक्सी वाले खुश है तो कई नाराज है कि 1 रुपए बढ़ा के आखिर सरकार उनको देना क्या चाहती है। आइए ऐसे टैक्सी वालों से जानते हैं कि उनकी नाराजगी कितनी जायज है। जो भी हमारा नाम है हनुमान भट्ट, जो भी किराया बढ़ा है ये महंगाई के हिसाब से, गाड़ी का मेंटेनेंस खर्चे के हिसाब से बिल्कुल गलत बढ़ा है और बढ़ना चाहिए परिस्थितियों समय के हिसाब से। 20 रुपये के जगह पर कम से कम 18 रुपये करना चाहिए था, क्योंकि 17 रुपये करने का मतलब 1 रुपये मीटर बनवाने जाएंगे, 2 दिन खोटी करेंगे, नुकसान करेंगे, तो हमारा जो साल में 1 रुपये करके 100 रुपये का आमदनी 200 का नहीं दिए हैं, उससे ज़्यादा तो हमारा नुकसान दे दिए हैं। तो फिर आप खुश नहीं है इससे? जो नहीं खुश का मतलब, हम लोग तो ये देख रहे हैं कि जब 32 साल 35 साल में सरकार शासन प्रशासन का कोई व्यवस्था गरीबों के प्रति नहीं है, तो हम आगे इनसे क्या खुशी जाहिर करेंगे। कहीं कहीं 1 रुपया जो है आप जैसे आपने देखा कि टैक्सी वाले कहीं नाराज हैं, तो इस सरकार की 1 रुपए की बढ़त को वो किसी भीख से जो है वो अधिक नहीं समझते। हमारे साथ ऐसे टैक्सी वाले हैं शोभनाथ जी, उनसे जानते हैं कि वो इस 1 रुपए की बढ़त को क्या समझते हैं। शोभनाथ जी क्या समझते हैं आप 1 रुपए की बढ़त? तो कुछ नहीं समझता जी, हमको सब मतलब खोटी ही लग रहा है। कितने साल हो गए आपको टैक्सी चलाते? हमको हो गया सर 22-23 साल जी। अगर आपसे कहा जाए कि अगर बढ़ोतरी करनी चाहिए थी तो कितनी बढ़ाना चाहिए था? कम से कम 20 रुपया होना चाहिए सर। क्या क्या वजह है 20 रुपया बढ़ाने की? गैस का भाव बढ़ गया और बहुत दिन से बढ़ा भी नहीं है। मीटर मतलब गैस बढ़ता गया, मीटर बढ़ा नहीं, इसके बाद में अब यही बढ़ रहा है जी। तो मतलब कहीं ना कहीं रोजी रोटी पे असर पड़ेगा, लोग भी कम बैठेंगे जब 1 रुपये का भाड़ा है, तो लोगों की जो है भाड़ा जो है कम मिलेगा या कुछ इस तरह का तो होगा? किस प्रकार के होगा आपका धंधा, क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम नहीं होगा सर, महंगाई के अनुसार से ठीक ही होना चाहिए, 20 होना चाहिए जी, लेकिन नहीं हुआ, कम से कम 18 तो होना चाहिए। 3 दिन कम से कम मीटर जाएंगे बनवाने के लिए, RTO में जाएंगे, सब 3 दिन अकाज होता है हम लोगों का जी। अभी कोई एक मीटर जो है वो अभी मैनुअली है, ऑटोमेटिक मीटर आने वाला है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीटर की बात की गई है, वो कितना आपको पसंद है? इलेक्ट्रॉनिक का वही खर्चा है सर, उसमें कोई फायदा है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक में खर्चा है, वो तो 2 रुपये का कार्ड लिए, भाव बढ़ा अपना दिखा के ले लिए। इसमें तो अभी मीटर गैस कितना दिन का बढ़ा है, लेकिन अभी हम लोगों का मीटर अभी कुछ नहीं बढ़ा है जी। तो देखा आपने शोभनाथ जी का भी वही कहना है, ऐसे कई टैक्सी वालों का कहना है कि 1 रुपया बढ़ा तो क्या बढ़ा है, क्योंकि महंगाई तो लगातार बढ़ती जा रही है। जहां एक और डीजल पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, तो इनका भी यही कहना था कि इनके मीटर का न्यूनतम जो है वो कम से कम 17 की जगह 18-19 रुपये होना चाहिए था, लेकिन अब यह बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। फिलहाल अभी तो 16 रुपये से केवल 17 रुपये मीटर का दाम किया गया हुआ है। कैमरामैन तुषार के साथ रामा यादव, तहलका 24 न्यूज, मुंबई। इस बढ़ोतरी से ना ही टैक्सी वाले खुश है, ना ही आम जनता। सरकार ने क्या सोचकर इस प्रस्ताव को पास किया होगा?